राधे राधे। भक्तों, आप लोगों को मैंने प्रभु की कृपा से भक्त रोनाल्ड निक्सन की चरितावली एक बार सुनाया था, लगभग एक साल से कुछ ज्यादा हो गया। वो रोनाल्ड निक्सन जो युद्ध का विमान चला रहे थे, उसके पायलट थे, और जिनको मरणासन्न अवस्था हो गई थी और योगी ने प्रवेश किया था और बचा के लाए थे। आप रोनाल्ड निक्सन की पूरी चरितावली यूट्यूब से निकाल के सुन सकते हैं, मैं सुना चुका हूं आपको। वो बाद में बहुत ही महान कृष्ण भक्त हो गए थे। तो वो कहते थे कि जो विश्वास योग्य नहीं है उस पर विश्वास करने से उतनी हानि नहीं होती जितनी होती है विश्वास योग्य पर अविश्वास करने से। जो बुद्धिवादी बुद्धिग्राह्य इस संकीर्ण जगत को लेकर आनंद मग्न हैं, वे बेचारे क्या जाने कि इसके बाहर भी शत शत अलौकिक जगत है। जानते नहीं इसलिए कि वे जानना चाहते भी नहीं। चाहते तो अवश्य इन अतीन्द्रिय लोगों का हालचाल कुछ जान पाते, ये रोनाल्ड निक्सन ने अपने अनुभव से कहा था। अब मैं आपको और सरल शब्दों में ये बतलाना चाहता हूं कि जिन भक्तों का चरित्र मैं आपको सुनाता हूं वो उन परमात्मा के भक्त होते हैं जो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ कहे जाते हैं, अर्थात जो सब कुछ कर सकते हैं, ऐसे प्रभु के भक्त होते हैं। इसलिए वहां संदेह का लेश मात्र भी आना नहीं चाहिए, अर्थात पूर्ण श्रद्धा पूर्ण विश्वास के साथ श्रवण करना चाहिए। प्रभु की कृपा से मैंने आपको सखुबाई का चरित्र सुनाया था जो महाराष्ट्र की थी, जिन्होंने पंढरपुर में शरीर छोड़ दिया था और जिनका दाह कर्म भी कर दिया गया था, किंतु बाद में स्वयं लक्ष्मी माता ने सखुबाई की अस्थियों को लेकर के सखुबाई का शरीर प्रकट किया, क्योंकि सखुबाई का रूप धारण करके स्वयं भगवान सखुबाई की ससुराल में महाराज सास ससुर की सेवा करते थे, सखुबाई का रूप धारण करके। और उन्होंने कह दिया था कि जब तक सखुबाई नहीं आएगी तब तक मैं नहीं जाऊंगा। इसलिए लक्ष्मी माता को चिंता हुई तो सखुबाई जो मर चुकी थी उसको शरीर भी जला दिया गया था, फिर भी उसको शरीर सहित जीवित किया लक्ष्मी माता ने। और वो जब पहुंची तब भगवान वहां से निकल करके फिर वैकुंठ गए। ये कथा मैं आपको सुना चुका हूं। मेरे ये सब कहने का तात्पर्य है कि भक्त के चरित्र में जो भी भगवान लीला करते हैं उस पर हमको आपको संदेह नहीं करना है। अब मैं आज एक ऐसे भक्त का चरित्र आपको सुनाने जा रहा हूं जो पहले भक्त तो नहीं थे, हो सकता है पूर्व जन्म के भक्त रहे हों, किंतु महाराज हृदय में एक दया भाव और सज्जनता थी, भक्ति नहीं थी। किंतु प्रभु आपके दया भाव और सज्जनता पर कितने रीझ जाते हैं आप ये अभी सुनने जा रहे हैं। ये तो महान लोगों की बात हुई, किंतु हमें लोगों में से कई ऐसे श्रद्धा भक्तिहीन भी होते हैं जो भगवान का सौदा करते हैं, अर्थात भगवान के द्वारा हम कुछ
पाना चाहते हैं संसार की चीजों को, और इस संसार की वो चीज हमें नहीं मिली तो हम भगवान को भगवान नहीं मानते, हम गुरु को गुरु नहीं मानते। हम कहते हैं कि यदि हमारी बात पूरी करें, यदि हमारी इच्छा पूरी करें तब तो गुरु गुरु हैं, भगवान भगवान हैं, और नहीं तो महाराज घनघोर तिरस्कार गुरु और भगवान का हम लोग कर देते हैं। ऐसी कुछ विचित्र चरितावली आप सुनने जा रहे हैं, जिसकी भूमिका में मैंने ये समझाया, जिससे हम आप सावधान हो करके श्रद्धा से भाव से उसको ग्रहण कर सकें। अब ये बात मैं जो आपको सुनाने जा रहा हूँ सतयुग त्रेता द्वापर की नहीं है, और न कलयुग में हजारों वर्ष पहले की बात है, मतलब 100 वर्ष भी नहीं हुआ है, हुआ होगा लगभग 80 वर्ष। वो बात ये है जो मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये सूरत में बूला भाई पारेख नाम के एक करोड़पति सेठ रहते थे। 80-90 वर्ष पहले करोड़पति का बहुत बहुत बड़ा स्थान होता था, मतलब बहुत बड़े सेठ होते थे। और मैं अब आपको भक्त अमल जी का चरित्र सुनाऊंगा, लेकिन अमल जी के चरित्र तक पहुंचने के लिए हमें इस व्यक्ति की भी बात समझनी पड़ेगी जो मैं बता रहा हूं। सूरत में बूला भाई पारेख नाम के एक करोड़पति सेठ रहते थे, और महाराज देखने में कई लोगों को हम भक्त समझ लेते हैं, बड़े बड़े मंदिर उनके होते हैं, लेकिन वो भक्त नहीं होते हैं। और कई ऐसे भी होते हैं बेचारे गरीब कि जिनके पास कोई भगवान नहीं, कोई मंदिर नहीं, और वो सच्चे निकलते हैं प्रभु के प्रेमी। अब आप सोचेंगे कि बहुत सारी भूमिका की बातें मैं बतवाने लगा, लेकिन क्या बताएं, हृदय से ऐसी बातें निकल रही हैं, इसलिए कि जो मैं आगे सुनाऊंगा उसको आप पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ श्रवण कर सकें, उसमें आपको संदेह कोई न हो जाए, जिससे आपकी कोई आध्यात्मिक हानि न हो, आपकी श्रद्धा न बिगड़े, आपका विश्वास बहुत सच्चा पक्का बना रहे, इसलिए मैं आपको सावधान कर रहा हूं। तो मैं बतला रहा था कि सूरत में बूला भाई पारेख नाम के एक करोड़पति सेठ रहते थे आज से 80-90 साल पहले, और उनके घर में एक सुरम्य संगमरमर का मंदिर था, बहुत अच्छा मंदिर था, और भक्तों मंदिर में विराजमान थे बड़े सुंदर मनहर गोपाल जी। लेकिन बड़े सुंदर मनहर गोपाल को प्यार करना, पूजा करना, बहुत ही निर्मल हृदय के व्यक्ति के लिए संभव होता है। अब आप सोचेंगे कि ये सब बात मैं क्यों बता रहा हूं, तो आप चकित हो जाएंगे कि जो सेठ इतना सुंदर मंदिर बनाया था, जो करोड़पति सेठ था, इतना सुंदर मंदिर बनाया था महाराज, वो दिखाने के लिए भगवान से प्रेम करता था, सच्चा प्रेम नहीं था उसका। सेठ जी नित्य सुबह शाम गोपाल जी की सेवा करते और प्रार्थना करते, क्या प्रार्थना करते, मैं आप लोगों से क्षमा मांग रहा हूं, ऐसे ही प्रार्थना करने वाले ज्यादा लोग होते हैं। जो सेठ जी प्रार्थना करते थे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी लोग ऐसा होते हैं, लेकिन ज्यादा लोग ऐसे ही होते हैं ऐसी प्रार्थना करने वाले। कैसी प्रार्थना, सुबह शाम गोपाल जी की पूजा सेवा करते और प्रार्थना क्या करते हैं, भक्ति की नहीं, ये कहते ठाकुर मेरे व्यापार में वृद्धि हो, घर में सुख समृद्धि हो, ये प्रार्थना थी उनकी।
अब आप लोग, मैं नहीं कहता हूं कि आप लोग भी ऐसे ही हैं, आप लोग तो बहुत भक्त हैं, इसीलिए तो भक्तों का चरित्र सुनते हैं, लेकिन आप लोग ऐसे को जानते जरूर होंगे कि जो भगवान से प्रेम नहीं करता, भगवान की पूजा करता है और यही कहता है कि मेरे व्यापार में वृद्धि हो और घर में सुख समृद्धि हो, उसका तात्पर्य है कि आप भगवान तभी हैं जब आप दें ये हमको, और ये नहीं दें तो आप भगवान नहीं है मेरे। आज थोड़ा मैं खरा खोटा इसलिए सुना रहा हूं कि बहुत कष्ट हुआ मुझे इनके विषय में विचार करने पर, मनन करने पर। महाराज आप भी इस बात को मान लेंगे जब आगे आप सुनेंगे। दैव योग से सेठ जी की स्त्री बीमार पड़ी, यही सूरत वाले सेठ जी की, और रोग बहुत बढ़ गया। डॉक्टर ने कहा उसकी स्थिति चिंताजनक है, तो सेठ जी बोले नहीं डॉक्टर, चिंता की कोई बात नहीं, वो अवश्य ठीक हो जाएगी, मैं प्रार्थना में विश्वास करता हूँ, रोज सुबह शाम ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ, ठाकुर क्या मेरी सुनेंगे नहीं। अब यही है भक्तों सत्संग की अभाव की स्थिति, कि भगवान की इच्छा को बिल्कुल नहीं मानते है, अपनी इच्छा मानते हैं, हमारी इच्छा पूरी होगी। हम लोगों को ऐसा नहीं करना है, हमको भगवान की इच्छा को अपनी इच्छा मानना है, प्रभु की इच्छा में अपने को राजी रखना है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। पर महाराज स्त्री की अवस्था तो बिगड़ती गई, एक दिन डॉक्टर ने कहा अब उसके बचने की आशा नहीं, तो सेठ जी ने फिर कहा नहीं डॉक्टर ऐसा नहीं हो सकता, मेरी इतने दिन की सेवा पूजा और प्रार्थना निष्फल नहीं हो सकती है, मतलब उनकी सारी सेवा पूजा प्रार्थना सब तभी सही है जब वो उनकी पत्नी या बच्चे या परिवार उनका ठीक रहे, कुछ गड़बड़ होगा तो फिर सब बेकार उनका हुआ। अब आप समझते चलिए ऐसी भक्ति थी उनकी। और यदि ऐसा आप लोगों में से किसी का है तो आपको अपने लिए भी समझना है कि इसमें गड़बड़ी है महाराज। सेठ जी ने तो कह दिया कि डॉक्टर ऐसा नहीं हो सकता, मेरी सेवा पूजा इतने दिन की और प्रार्थना बेकार नहीं हो सकती, हमारी पत्नी मरेगी नहीं, क्योंकि डॉक्टर ने तो कह दिया था कि इसके बचने की कोई आशा नहीं। और सेठ जी का महाराज एक 8 वर्ष का बेटा था, उसको पढ़ाने के लिए उन्होंने एक नवयुवक शिक्षक रख छोड़ा था, और शिक्षक का नाम था अमल। अमल का जन्म नवद्वीप में हुआ था। मैं आपको कुछ दिन से लगातार नवद्वीप की चेतावनियां सुना रहा हूं, नवद्वीप जहां चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ वहीं जन्म हुआ था शिक्षक का, जिसका नाम था अमल, ये सेठ जी के बच्चे का शिक्षक था, ट्यूटर था घर का। तो उसकी विधवा मां नवद्वीप में रहती थी उस अमल की, और उनके भरण पोषण का भार उस पर था, इसलिए वो एमए पास करने के बाद नौकरी की खोज में सूरत चला आया था। उसका जैसा नाम था वैसा ही अमल, सरल सच्चरित्र और सत्यवादी था। अमल मतलब मल से हीन, गंदगी ने कुछ भी नहीं, महाराज वैसा ही था। उसका अनिंद सुंदर उज्ज्वल कामीय मुखारविंद, अर्थात बहुत सुंदरता थी उसके चेहरे पर, सदाचार और परोपकार में ही वो मनुष्य जीवन की सफलता मानता था, बहुत ही अच्छा था वो टीचर जो था, वो घर का उनका टीचर था, उनके बच्चे का टीचर था, पर भगवान के अस्तित्व में उसका विश्वास नहीं था। अब आपको आश्चर्य होगा कि मैं ऐसे की कथा सुनाने जा रहा हूं जिसको भगवान के अस्तित्व में विश्वास ही नहीं था। ये बात शुरू की है भक्तों, आगे क्या होगा आप सुनेंगे। और तो सेठ जी उसको अपना नौकर मानते थे, बेटे का टीचर था वो। तो सेठ जी ने उस अमल से जो उनके बेटे को पढ़ाता था उससे कहा कि तुम भी भगवान से प्रार्थना करो कि मेरी स्त्री स्वस्थ हो जाए।
तो यूं तो सेठ जी को विश्वास था कि उनके सेवित गोपाल जी उनकी सुनेंगे, पर वे अपनी स्त्री में इतना आसक्त थे कि उसके जीवन को केवल अपने विश्वास की डोर से बांध रखने का खतरा नहीं लेना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि अभी कभी ऐसा हो कि गोपाल उनकी न सुने, तो शुद्ध सरल हृदय के अमल की तो सुनेंगे ही। उनको ऐसा लगा कि जो अमल जो हमारे बच्चे को पढ़ाता है ये बहुत सरल स्वभाव का है, शुद्ध हृदय का है, तो इसकी तो गोपाल जी सुन ही लेंगे, ये प्रार्थना करेगा तो मेरी पत्नी नहीं मरेगी, बच जाएगी। इसलिए उन्होंने कहा अमल से प्रार्थना करने के लिए, तो अमल ने कहा कि मेरा तो अभी तक ये संदेह ही नहीं मिटा कि भगवान है या नहीं, तो मैं प्रार्थना किससे करूं और कैसे करूं। महाराज उस दिन सेठ जी रात भर गोपाल से प्रार्थना करते रहे, तो भी दूसरे दिन उनकी पत्नी का देहांत हो गया। अब समझने की बात है भक्तों की भक्ति हमारी कैसी है, कितनी गड़बड़ है या कितनी अच्छी है। रात भर गोपाल से प्रार्थना करते रहे भगवान से सेठ जी, अब वो अमल ने तो प्रार्थना ही नहीं किया, उसने कहा हमको तो विश्वास ही नहीं कि भगवान है भी कि नहीं, उसने नहीं किया, इसलिए उसने प्रार्थना नहीं किया। और सेठ जी करते रहे, और फिर भी सुबह दूसरे दिन सुबह पत्नी मर गई सेठ जी की। और महाराज पत्नी के देहांत के साथ बाल गोपाल में उनका विश्वास के अंत, विश्वास का अंत हो गया। ऐसी भक्ति थी ये, भक्ति नहीं है भक्तों। पत्नी मर गई तो क्या भगवान में विश्वास खत्म हो जाना चाहिए? भगवान की इच्छा न स्वीकार करना, पत्नी की प्रारब्ध को नहीं समझना, ये भक्ति थोड़े, ये तो अज्ञान है। पत्नी का तो प्रारब्ध पूरा हो गया तो मरना ही था, या भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला के रखो या उसके प्रारब्ध पर विश्वास करो। लेकिन हुआ कुछ गड़बड़, क्या हुआ अब सुनिए। वो पत्नी के देहांत के साथ बाल गोपाल का में विश्वास उनका खत्म हो गया। और महाराज इतना ही नहीं, उनका विवेक भी चला गया और वे जैसे पागल हो गए। और उन्माद ग्रस्त की भांत उन्होंने गोपाल की मूर्ति को बाहर कूड़े में फेंक दिया और अमल जो था उनके बेटे का टीचर उसकी भी छुट्टी कर दी। उनको लगा कि इसने प्रार्थना किया होता तो मेरी पत्नी बच जाती, ये इसने हमारी बात नहीं माना, प्रार्थना नहीं किया। और अमल ने प्रार्थना इसलिए नहीं किया कि उसको भगवान में विश्वास नहीं था। और ये कहते थे कि हम भगवान को मानते हैं, हम भक्त हैं, और लेकिन भगवान ने हमारी पत्नी को नहीं बचाया इसलिए हम भगवान को नहीं मानेंगे। और महाराज उन्होंने भगवान को उठा करके, गोपाल की मूर्ति को उठा करके कूड़े में फेंक दिया सेठ जी ने, और अमल को कह दिया आप जाओ, तुम्हारे में कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी नौकरी खत्म, हटो यहां से। और अमल जब वहां से जाने लगा तब उसने देखा गोपाल की मूर्ति डस्टबिन में पड़ी है। बहुत बड़ा कूड़ादान था बाहर, घर में नहीं, घर के बाहर सड़क के किनारे एक बड़ा सा कूड़ादान था, डस्टबिन थी, उसमें गोपाल की मूर्ति को। आप समझ पाए इसलिए मैं मूर्ति सुना रहा हूं, मैं अपने ठाकुर जी को कैसे किस शब्द में बोलूं, मुझे तो सोच समझ में नहीं आता, लेकिन आप अर्थात सब लोग समझ सकें इसलिए मूर्ति मुझे कहना पड़ता है। कन्हैया को उठा करके फेंक दिया महाराज, इस नासमझ मूर्ख बेवकूफ भक्त ने, कहां भक्ति थी इसकी। पत्नी मर गई तो भगवान को उठा के घर से फेंक दिया कूड़ादान में, सड़क के किनारे डस्टबिन में फेंका है, कहां की भक्ति इसकी।
और आमल बेचारा तो अभी अब तक ये समझ नहीं पाया था कि वो भगवान को समझ नहीं पाया था, अर्थात मान ही नहीं पाया था। उसी ने देखा कि मंदिर के गोपाल जी तो सड़क के डस्टबिन में पड़े हैं, सेठ जी ने फेंक दिया उठाकर, कि पत्नी को हमारे नहीं बचाया तो तुम्हारी छुट्टी, घर से फेंक दिया उठाकर। और वो उनकी ओर देखता रह गया बेचारा। पर उसे देख करके उसके मन में न जाने क्या होने लगा, वो कुछ समझ नहीं सका। पर मूर्ति को अर्थात गोपाल जी को उठाकर घर ले जाने को विवश हुआ, वो भगवान को छोड़ करके नहीं गया। वो करोड़पति सेठ तो भगवान को छोड़ना क्या फेंक ही दिया था, पर ये गरीब अमल जो मास्टर था, टीचर था, बच्चे का टीचर, उसकी नौकरी भले ही चली गई लेकिन उसे लगा कि भगवान, पता नहीं भगवान होते हैं कि नहीं, लेकिन ये मंदिर में थे और इनको फेंक दिया बाहर सड़क पर। महाराज उनको छोड़ करके जाने की हिम्मत उसकी नहीं हुई। उस दिन अमल के घर आए उसके एक मित्र असित, जो एक अच्छे साहित्यकार और संगीतज्ञ थे, और महाराज कलकत्ता रहते थे, कई दिन हुए सूरत एक संगीत सम्मेलन में आए थे। अमल उस समय गोपाल की मूर्ति को साबुन से धो रहा था। ये देख करके असित ने आश्चर्य के स्वर में कहा, अमल ये क्या कर रहे हो, तुम भक्त कब से हो गए? मैं तो पहले ही जानता था कि भगवान के अस्तित्व में तुम्हारा संदेह बहुत दिन नहीं टिकेगा। तुम्हारे जैसे सरल और पवित्र हृदय के व्यक्ति पर भगवान कृपा अवश्य करेंगे। तुम्हारा संदेह दूर हुआ और तुम एक सच्चे भक्त बनोगे, मुझे विश्वास था। और महाराज जी डस्टबिन से उठा करके जो गोपाल जी को लाया था ये अमल, अब महाराज साबुन से धो रहा है उनको, बड़े प्यार से नहला रहा है गोपाल जी की मूर्ति को, नहला रहा बहुत प्यार से। तो वो असित से बोला, अपने दोस्त से बोला, अमल नहीं असित भक्त वक्त कुछ नहीं, वो बोल रहा है अमल, ये तो सेठ जी के सेवित श्री विग्रह हैं। सेठ जी ने अब मेरी और इनकी दोनों की छुट्टी कर दी है। छुट्टी? अब असित जो उनका दोस्त होकर, छुट्टी और इनकी भी छुट्टी, ये तुम क्या कर रहे हो, खोल कर कहो ना। अमल ने सब वृत्तांत का सुनाया, जो सेठ की पत्नी मर गई और भगवान ने उसकी प्रार्थना सेठ की नहीं सुनी, तो पत्नी को मर जाने पर इतना गुस्सा हुआ कि भगवान को उठाकर फेंक दिया और अमल को भी घर से निकाल दिया। ये पूरी बात सुना दिया उसने अपने दोस्त को। तो फिर सब सुना करके फिर हंस करके बोला, हम दोनों अब एक ही नाव के दो पथिक हैं, नाव हमें कहाँ ले जाएगी और डूबेगी या रहेगी हम नहीं जानते। डूबेगी तो नहीं, क्योंकि तुम्हारा साथी सर्वशक्तिमान है, यही सोचकर तुम इसे उसे लेकर के आए हो ना। ऐसे बोलता रहा वो, अरे नहीं भाई, ले इसलिए नहीं आया हूं कि मैं इन्हें भगवान मानता हूं। अब देखिए अमल के हृदय की बात, उसका साथी तो अमित ये बोल दिया कि ये डूबेगी नहीं तुम्हारी नाव, क्योंकि तुम्हारा साथी सर्वशक्तिमान है, जिनकी सेवा कर रहे हो तुम, जिनको नहला दुला रहे हो। लेकिन अमल अभी भक्त नहीं हुआ था, किंतु भक्ति उसके हृदय में छिप कर रह रही थी। तो अमल ने कहा, अरे नहीं भाई, ले इसलिए नहीं आया हूं कि इन्हें भगवान मानता हूं, इसलिए ले आया हूं कि ये सुंदर हैं, मुझे अच्छे लगते हैं, कूड़े में पड़े रहने लायक नहीं है। देखिए कैसे भगवान किसी के अंदर भक्ति माता का प्रभाव प्रकट करते हैं, बहुत ही अद्भुत ये कथा है भक्तों।
बहुत प्रेम की कथा, आप ज्यों ज्यों आगे बढ़ेंगे त्यों त्यों आपका हृदय एकदम प्रेम से लबालब भर जाएगा, आंखों से आंसू निकलेगी, जरूर निकलेगी। अभी तो अमल उसी स्थिति तक नहीं पहुंचा है। अमल ने कहा कि इसलिए ले आया हूं कि सुंदर हैं, इसलिए नहीं लाया हूं कि भगवान हुए हैं, मैं इनको भगवान मानता हूं इसलिए नहीं लाया हूं, इसलिए ले आया हूं कि सुंदर हैं, मुझे अच्छे लगते हैं, कूड़े में पड़े रहने लायक नहीं है। बात एक और भी है, मैं भगवान में विश्वास तो नहीं करता पर अविश्वास भी नहीं करता। मैंने सोचा कि यदि ये भगवान सचमुच हुए तो कूड़े में पड़े कि पड़े कितना दुख पाएंगे। अमल का हृदय बोल रहा भक्तों, अमल का हृदय बोल रहा है कि मैंने सोचा कि यदि ये सचमुच भगवान हुए तो कूड़े में पड़े पड़े कितना दुख पाएंगे। माँ यशोदा के आंचल की निधि, जिन्हें वे सदा अपनी पलकों पर रखती, इस तरह में कूड़े में पड़े रहेंगे, ये सोच करके मेरा हृदय कांप गया और मैं इन्हें ले आया और इन्हें लाए बगैर, इनको लाए बिना मैं रह नहीं सका। भक्तों, अमल का चरित्र मैं आपको सुनाऊंगा। इस महान भक्त के चरणों में बारंबार प्रणाम, श्री राधे राधे, जय श्री राधे।